नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश मौसम समाचार में। दोस्तों आज और कल कैसा रहेगा उत्तर प्रदेश के जिलों का मौसम, और साथ ही आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हो कि आप उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से हो, ताकि आने वाली खबरों में हम आपके जिले के मौसम के ताजा समाचार बता सकें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं भारतीय मौसम विभाग की तरफ से आने वाले दो या तीन दिन कैसे रह सकते हैं उत्तर प्रदेश के जिलों का मौसम। तो जानते हैं दोस्तों सबसे पहले फिरोजाबाद और गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद और गाजीपुर और गोड़ा जिला और गोरखपुर और हमीरपुर और हापुड़, आने वाले इन जिलों में कैसा रहेगा, आने वाले दो या तीन दिन कैसा रह सकता है इन जिलों में मौसम। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिरोजाबाद की। दोस्तों आपको बता दें कि फिरोजाबाद जिले में जो आने वाले दो दिन ऐसे रह सकते हैं जहाँ पर की कुछ इलाकों में इसकी एक बार फिर से मौसम बदल सकता है और हल्की फुल्की इसकी वर्षा देखने को मिल सकती है। और साथ ही आपको बता देंगे फिरोजाबाद के कुछ इलाके ऐसे रहेंगे जहाँ पर इसकी शाम के समय में इसकी थोड़ी बहुत इसकी हल्की हवाएं चल सकती हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि सुबह के समय में इसकी कुछ इलाकों में इसकी थोड़ी बहुत इसकी लोगों को सर्दी का एहसास हो सकता है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं गौतम बुद्ध नगर की। दोस्तों आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर में इसकी आने वाले दो दिन ऐसे रहेंगे जहां पर इसकी कुछ इलाकों में इसकी थोड़ी बहुत इसकी तेज सर्दी पड़ सकती है। और आपको बता दें कि कुछ इलाके ऐसे भी रहेंगे जहां पर इसकी थोड़ी बहुत इसकी वर्षा लोगों को देखने को मिल सकता है। और साथ ही आपको बता दें कि मौसम एक बार फिर से इसकी बदल सकता है। और दिन के समय में आपको बता दें कि टेम्परेचर है जी 34 से 35 के बीच सेल्सियस रहेगा। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं गाजियाबाद जिले की। दोस्तों आपको बता दें कि गाजियाबाद जिले में जी आने वाले बेहतर घंटों के अंदर जी कुछ इलाकों में जी थोड़ी बहुत तेज बारिश हो सकती है। और इसी के साथ आपको बता दें कि कुछ इलाके ऐसे भी रहेंगे जहाँ पर जी सर्दी की शुरुआत हो सकती है। और इसके साथ आपको बता दें कि शाम के समय में जो कुछ इलाकों में जो थोड़ी बहुत तेज हवाएं भी है जो चलने की इस समय है जो खबरें सामने निकल कर आ रही हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं गाजीपुर जिले की। दोस्तों आपको बता दें कि गाजीपुर जिले में है जो इस समय कुछ इलाकों में इसकी थोड़ी बहुत सर्दी की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन आपको बता दें कि आने वाले दो दिन के अंदर है जो कुछ इलाकों में इसकी थोड़ी बहुत एक बार फिर से है जो कि आपको बता दें कि दिन के समय में है जो कि टेम्परेचर है जो फिर से है जो कि बिगड़ता हुआ दिख को बता दें कि रात के समय में है जो टेम्परेचर 17 से 18 के बीच सेल्सियस रहेगा। वहीं आपको बता दें कि शाम और सुबह शाम तेज सर्दी पड़ने की हो सकती है। और आपको बता दें कि कुछ इलाके ऐसे रहेंगे जहाँ पर जो दिन के समय में जो घने बादल मंडराए रहेंगे, लेकिन आपको बता दें कि दिन में जो टेम्परेचर है जी 34 से 35 के बीच सेल्सियस रहेगा। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कासगंज जिले की। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर जो एक बार फिर से जो मौसम बिगड़ चुका है, और आपको बता दें कि यहाँ पर जो लोगों को जो थोड़ी बहुत सर्दी का एहसास हो चुका है। और आपको बता दें कि सुबह और शाम में जो अच्छी खासी सर्दी पड़ रही है, लेकिन आपको बता दें कि दिन के समय में जो टेम्परेचर 34 से 35 के बीच बना हुआ। आपको बता दें कि कुछ इलाके ऐसे भी रहेंगे जहां पर एक बार फिर से जो तेज बारिश हो सकती है, और तेज बारिश के साथ जो थोड़ी बहुत जो आपको बता दें कि तेज हवाएं भी जो लोगों को देखने को मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं पडरौना जिले की। दोस्तों आपको बता दें कि पडरौना जिले में है जो इस समय आने वाले बेहतर घंटों के अंदर है मौसम विभाग की तरफ से ऐसी खबरें सामने निकल कर आ रही है कि आपको बता दें कि बेहतर घंटों के अंदर है जो कुछ तेज हवाएं कुछ इलाकों में चल सकती हैं। और इसी के साथ है जो सुबह और शाम है जो लोगों को सर्दी का एहसास हो चुका है। और आपको बता दें कि दो दिन ऐसे रहने वाले हैं जहाँ पर कुछ इलाकों में जो थोड़ी बहुत तेज बारिश के साथ है जो तेज हवाएं भी इस समय चलने की खबरें सामने निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि दिन के समय में जो टेम्परेचर 34 से 35 के बीच रहेगा, और रात होते होते जो लोगों को जो थोड़ी बहुत सर्दी का एहसास हो सकता है। और कुछ ही इलाके ऐसे भी रहेंगे जहाँ पर जो आपको बता दें कि लोगों को जो सुबह और शाम जो सर्दी का अच्छा खासा एहसास हो चुका है।
इसी के साथ आज ये लोग बाग है जी गर्म कपड़े पहनने लगे हैं। और आपको बता दें कि आने वाले दो दिन के अंदर आज और भी ज़्यादा तेज सर्दी पड़ने की इस समय है जी खबरें सामने निकल कर आ रही हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं लखीमपुर की। दोस्तों आपको बता दें कि लखीमपुर में जी कुछ इलाकों में इस समय है जी थोड़ी बहुत है जी तेज़ बारिश होने की खबरें सामने निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि कुछ इलाकों में जी दो दिन के अंदर है जी थोड़ी बहुत तेज़ बारिश हो सकती है और इसी के साथ है जी तेज़ सर्दी की शुरुआत भी होने की है जी हो सकती है। और आपको बता दें कि दिन के समय में जी टेम्परेचर है जी आपको बता दें 34 से 35 के बीच रहेगा और रात के समय में है जी 17 से 18 के बीच सेल्सियस रहेगा। और आपको बता दें कि सुबह और शाम है जी लोगों को है जी तेज सर्दी का एहसास भी होने लगेगा। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं ललितपुर की। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर है जी आने वाले बेहतर घंटों के अंदर मौसम एक हल्की फुल्की है जी सर्दी की शुरुआत भी हो सकती है। और दोस्तों आपको बता दें कि गाजीपुर के कुछ जिलों में है जो कि एक बार फिर से जो मौसम बदल सकते हैं। और आपको बता दें कि बादल है जो कि एक बार फिर से है जो कि गरज सकते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से ऐसी खबरें सामने निकल कर आ रही है कि गाजीपुर के कुछ इलाकों में जो हल्की फुल्की है जो दो दिन के अंदर है जो वर्षा देखने को मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं गाजियाबाद जिले की। दोस्तों आपको बता दें कि गाजियाबाद जिले में आज के कुछ इलाकों में आज के सुबह के समय में आज के सर्दी का एहसास हो चुका है। हालांकि आपको बता दें कि दिन में है जो अच्छी खासी है जो उमस बनी हुई है, लेकिन आपको बता दें कि आने वाले दो दिन के अंदर आज के कुछ इलाकों में आज के तेज बारिश भी हो सकती है। और इसी के साथ आपको बता दें कि सर्दी की शुरुआत भी हो सकती है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं गोड़ा जिले की। दोस्तों आपको बता दें कि गोड़ा जिले में जी इस समय कुछ इलाकों में जी सर्दी की शुरुआत हो चुकी है। और आपको बता दें कि दिन के समय में जी टेम्परेचर 35 से 36 के बीच सेल्सियस बना हुआ। हालांकि आपको बता दें कि कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर है जी इस समय मौसम विभाग की तरफ से ऐसी खबरें सामने निकल कर आ रही कि कुछ इलाकों में जी हल्की फुल्की वर्षा देखने को मिल सकती है। और साथ ही आपको बता दें कि कुछ इलाके ऐसे भी रहेंगे जहाँ पर जी रात के समय में है जी सर्दी है जी अच्छी खासी पड़ना शुरू हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं गोरखपुर जिले की। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर गोरखपुर जिले में जी इस समय कुछ इलाकों में जी रात के समय में जी सर्दी की शुरुआत हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि सुबह के समय भी है जी अच्छी खासी सर्दी पड़ रही है, लेकिन आपको बता दें कि दिन में है जी आपको बता दें अच्छी खासी गर्मी बनी हुई है और टेम्परेचर 35 से 36 के बीच सेल्सियस बना हुआ। लेकिन आपको बता दें कि गोरखपुर के कुछ जिले ऐसे रहेंगे जहां पर जी आने वाले दो दिन के अंदर जी कुछ इलाकों में जी एक बार फिर से जी बादल गरज सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हमीरपुर जिले की। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर है जी आने वाले बेहतर घंटों के अंदर है जी कुछ इलाकों में जी थोड़ी बहुत है जी तेज वर्षा होने की इस समय खबरें सामने निकल कर आ रही हैं। हालांकि आपको बता दें कि कुछ इलाकों में जी सुबह के समय में है जी सर्दी की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि कुछ इलाकों में जी तेज उमस भी है जी एक बार फिर से है जी बढ़ने की खबरें भी इस समय सामने निकल कर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि जालौन के कुछ इलाकों में जो आपको बता दें कि घने बादल मंडराए रहेंगे, लेकिन वर्षा उतनी देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हर एक ज़िले की मौसम की रोज़ाना ताज़ा जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को अभी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब भी कर लें और आप हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।